श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ज़्यादातर प्यार करने वाले जो लोग हैं, प्यार के पांच चरण होते हैं। उन पांच चरणों में से सिर्फ तीसरे तक ही पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए आप अपने प्यार के किस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं। देखिए प्यार में तरह तरह के कश्मे वादे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत कम ही प्रेमी जोड़े होते हैं जो एक दूसरे का पूरा साथ निभा पाते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप कुछ समय साथ चलने के बाद टूट जाते हैं। यहां बात सिर्फ प्रेम संबंधों की शादी में बदलने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रेमी जोड़े शादी के मुकाम तक पहुंचते हैं उनमें भी ज्यादातर बहुत समय तक साथ नहीं रह पाते और उनका रिश्ता अलगाव या तलाक पर जाके खत्म हो जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी प्यार को एक आकर्षण ही माना जाता है और शादी के मामले में ज़्यादातर परिवार प्रेम संबंधों के आधार पर रिश्ते तय करने के बजाय दूसरी बातों को प्राथमिकताएं देते हैं। पर क्या सचमुच प्यार का रिश्ता में आकर्षण है? 40 साल के गहन रिसर्च के बाद प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेड डायमंड ने इसका उत्तर ढूंढ निकाला है जो आपको चौंकाते हैं। इनके अनुसार प्यार के कुल 5 स्टेज होते हैं और ज्यादातर जोड़े इनमें से तीसरे पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते अलग हो जाते हैं। इन पड़ाव की व्याख्या करते हुए ये तीसरे स्टेज को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, जहां से आगे बढ़ पाना लगभग हर प्रेमी जोड़े के लिए एक चुनौती होती है। लगभग हर किसी के प्यार में पड़ाव आता ही है और जो इसे पार कर लेते हैं उनके प्यार के 5वें पड़ाव तक पहुंचना भी तय होता है और यही उनके सच्चे और सफल प्रेम की निशानी होती है। अभी क्या है प्यार के 5 पड़ाव? आप अपने प्यार को परख सकते हैं कि आखिर किस मुकाम पर आता है आपका प्रेम संबंध और जोड़ी के रूप में आप कितने सक्सेसफुल हैं और आपका प्यार और वैवाहिक संबंध जो होता है वो कितना सक्सेसफुल है। चलिए हम आगे उन्हीं बातों को करते हैं। पहला स्टेज है फॉल इन लव। यह वो वक्त होता है जब आप पहली बार किसी के प्यार में पड़ते हैं। इस समय आपको अपने साथी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है और आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। यह आपके प्यार के लिए प्यार में सबसे खुशहाल मौसम होता है और आपका नया नया पार्टनर आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छा इंसान बन जाता है या बन जाती है और आप उसी की तरह बनने और उसी की पसंद में ढलने की कोशिश में लग जाते हैं। पहला स्टेज हो गया, अब दूसरा स्टेज यह शादी के बाद का आता है या वो होता है जब आप एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करते हुए पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ तय करते हुए रहना तय कर चुके होते हैं। अब विवाहित जोड़ों में यह शादी का वक्त होता है। जो शादी कर चुके हैं संभव है उनका पहला बच्चा हो चुका हो, यह दोनों का पूरा होने का एहसास कराता है और उसके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना और बढ़ाते हैं। अब है तीसरा स्टेज और वो है डिसअपॉइंटमेंट। कई साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद यह वह वक्त होता है जब आपको एक बार फिर अधूरापन महसूस होने लगता है। आपको अपने साथी का व्यवहार अक्सर परेशान करता है और आप उस पर चिढ़ने लग जाते हैं। यही वो वक्त होता है जब आपको लगने लगता है कि आपका पार्टनर वो नहीं है जिसका ख्वाब आप देख रहे थे। आपको लगने लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। यही प्रेम का तीसरा पड़ाव भले ही हो, लेकिन अक्सर लव रिलेशनशिप का आखिरी पड़ाव साबित होता है, क्योंकि ज्यादातर जोड़े ज्यादातर प्रेम युगल इस स्टेज को पार नहीं कर पाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं।
अब है चौथा स्टेज, एक्सेप्ट करना। प्यार के इस चौथे स्टेज पर पहुंचकर आप पिछले दौर में आप दोनों के बीच आ चुकी असहमतियों और करवाहटों को भूलकर साथी की अच्छी चीजों की तरफ देखने लगते हैं। आप उसके प्यार की वो भी चीजें, सभी अच्छी याद बातें याद करते हैं जिसने आप दोनों को पूरा होने का एहसास कराया और आप दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा है। और चौथा स्टेज ये भी कहता है कि आपको एहसास होता है कि भले ही आपका साथी आपके कुछ जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरा हो, कुछ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हो, भले ही उसमें कुछ खामियां हो और वो ना हो जिसका आपने अपने साथी के रूप में कल्पना की थी, लेकिन असलियत में वही आपके सुख दुख का साथी है। इसे हकीकत मानकर आप अपने पार्टनर को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं और इस तरह आप प्यार के पांचवें पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पांचवा पड़ाव क्या है? एक होने का एहसास। यह वह समय होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ सारी असहमतियां भूलकर जीवन की आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ चलने का वादा खुद से कर चुके होते हैं। आपको एहसास होता है कि यही वो शख्स है, यही मेरी पार्टनर है जिसकी आपको तलाश थी, जिसके साथ आपको दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करनी है और आप पार्टनर के साथ मिलकर उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। तो ये प्यार के पांच स्टेजेस हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।